हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल आलू का चीला, जिसे खा के आपको बड़ा मजा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसे आप फलारी व्रत में बना सकती हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं ये आलू 3 से 4। इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। जैसे कि अब नवरात्रि आ रही है, उसमें आपको कुछ अलग डिफरेंट खाने का मन करता है, तो उसमें आप इन्हें बना सकते हैं और इसके मज़े उठा सकते हैं। तो हम इन आलूओं को इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। हमने थोड़े मोटे वाले कद्दूकस से इन्हें कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं, ये समा के चावल का पाउडर है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास समा के चावल का पाउडर नहीं है तो आप राजगिरी का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर बनाया, मतलब भुनी हुई मूंगफली को पीस के इसका पेस्ट बनाया है, ये इसमें हम डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ये बारीक कट की हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, धनिया पत्ती हम इसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, फिर हम इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देते हैं। अगर आप फास्ट में बना रहे हैं तो सेंधा नमक, अगर आप डेली यूज में बना रहे हैं तो नमक भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और ये काली मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देते हैं। बहुत लोग फास्ट में लाल मिर्च नहीं खाते, तो आप लाल मिर्च को रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि हम काली मिर्च डाल ही रहे हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप लाल मिर्च भी इसमें ऐड करें। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं, सभी सारी मिश्रण को। ये देखिए, हमारा ये पूरा मिश्रण ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, हमारा सारा मिक्स हो गया है। तो एक तवा जो है हम गैस पे गरम करने के लिए अब हम रख देंगे। ये हमने गैस पे तवा गरम करने के लिए रख दिया है। इस पे हम हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, मतलब हमने ब्रश से ही लगा लिया, ज्यादा ऑयल हम इसमें लगाते नहीं है। और ये तवा जब हमारा गरम हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे चीले बनाएंगे। हमारे एक तवे पे ही, इस नॉर्मल मतलब साइज का जो तवा, इस पे ही हमारे 2 से 3 चीले आराम से बन जाते हैं। और आप चाहें तो बड़ा चीला भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको बड़ा चीला भी बना के दिखाऊंगी। अभी मैंने छोटे छोटे चीले बनाए, ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो क्या इसका टेस्ट। आप बड़ा बना लीजिए, छोटा बना लीजिए, एक जैसा ही आएगा। इसे मैं हल्का सा हल्का गोल कर देती हूँ, इस तरीके से ये मैंने इसे बना लिया, इसे हल्का साइड कर देती हूँ। और इसी तरीके से मैं बाकी के भी चीले इस पे बना लूंगी। जितने चीले आपके एक तवे पे आ जाए छोटे छोटे, उतने आप बना लीजिए। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि ये आलू के चीले की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही डिफरेंट टाइप का चीला, इसे कद्दूकस करके बनाने का तरीका बहुत ही अलग है, और आपको उसे एक बार खा के देखिएगा, एकदम टेस्टी बन के आते हैं ये, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग इसे। इस तरीके से देखिए, हम इसे सेक लेते हैं, इसी हल्का सा हम इस पर ऑयल लगा देते हैं। ये देखिए, हमने ये ऑयल लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए सेक लेंगे, ताकि ये बड़ी आसानी से और एकदम बढ़िया तरीके से ये सिक कर आए मीडियम गैस पे। जब हमारी गैस मीडियम मतलब ठीक हो जाए, तो हम इसे मतलब 2 मिनट बाद मीडियम गैस पे जब हम क्या करेंगे, इसे जो हमने ढका था वो हटा के देखेंगे और इसे एक बार पलट देंगे, ताकि हमारे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। और पलट के भी हम इसे क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए ढककर सिकने देंगे। इससे हमारे ये जल्दी भी सिक कर आते हैं और बहुत अंदर तक एकदम क्रिस्पी बन के आते हैं। ऐसे ही इन्हें पलट पलट के हम सेक के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे बड़े अच्छे से ये सिक गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे, आप लोगों को ये जरूर पसंद आएंगे। एक बार इन्हें आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे दोनों तरफ से सिक गए हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप ऐसे ही खाइए, रूखे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप सॉर्ट चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इसी तरीके से हम एक और बार इन्हें चीले को बनाएंगे। अब हमने एक सिंगल चीला बनाया, वो भी थोड़ा बड़ा चीला बनाया हमने, एक सिंगल चीला बड़ा चीला बनाया है, वो हमने छोटे छोटे बनाए थे। और इसे खूब अच्छी तरीके से हमने बड़ी तरीके से बना लिया है।
इसी तरीके से जैसे हमने ये छोटे चीले सेके थे, इसी तरीके से हम इस बड़े चीले को भी सेक के तैयार कर लेते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बस हल्का सा, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाते हैं, एकदम गोल कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है रेसिपी। बस आपको करना ही क्या है, 5 मिनट में आपके ये चीले बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, 2 मिनट में आपका मिश्रण तैयार है और 2 मिनट आपके सिकने के लिए चाहिए होते हैं एकदम सेट बेट करने के लिए। 5 मिनट में ये रेसिपी आपकी बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है। तो कभी भी आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, नाश्ता वगैरह, तो आप ये बना सकते हैं और ईजिली खा सकते हैं। और आलू का नाश्ता तो सभी को बहुत पसंद होता है। इस तरीके से हम इसे पलट पलट के सेक लेते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आगे आप किस टाइप की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हमने इस चीले को भी ढककर सेक लेते हैं दोनों तरफ से। ये हमने सेक लिया है, हमारा चीला बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गया जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम हल्का सा प्रेस करते हुए और अच्छी तरीके से एक प्लेट में जो है निकाल लेंगे। और हमारे इसी तरीके से आलू के चीले जो है बिल्कुल बन के तैयार हो जाते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे, एक बार इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये चीला कैसा लगा। और अगर आप आए हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, उसके पास आता है एक बेल आइकन, उसे भी जरूर कीजिएगा प्रेस ताकि आपके पास आ सके हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन। बाय।